शुभ्रांश, आप हमेशा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं और सरकार की जमकर आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन ऐसे माहौल में ये सबके सामने है कि देश एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकाने जा रहा है। देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें सब ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो किया सबसे बेहतर समय रहते उपाय किया, और आज इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी सब जगह प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ इस बात के लिए हो रही है कि काश उन देशों की सरकारों ने भी समय रहते संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया होता, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को पूरे तरीके से लागू कर दिया होता। ऐसी स्थिति में अगर देश की अर्थव्यवस्था निचले पायदान पे जाती है या फिजिकल डेफिसिट 10% तक भी पहुँचता है, माइनस में पहुँचता है, तो भी हमारे और देश और पार्टियों के नेताओं को का जो कहना है, चाहे अर्थशास्त्रियों का जो कहना है, कि प्रधानमंत्री को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे में ये ज़रूर है कि रोज़गार और MSME ये तमाम चीज़ें प्रभावित होंगी। आप आर्थिक विषयों पर बोलते भी रहे हैं, ऐसे में आपकी क्या सलाह है, जिस तरीके से शेयर बाज़ार जो 2010 के आसपास था वहाँ पहुँच चुका है, हालाँकि कल करेक्शन भी हुआ है, 2000 पॉइंट से ऊपर, 2500 पॉइंट ऊपर भी आया है, लेकिन शेयर बाज़ार अर्थतंत्र पूरे तरीके से चरमरा गया है। फिर भी आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों का हौसला है प्रधानमंत्री के प्रति, लोगों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो बड़ा अजब तरीके का है। देखिए उपेंद्र जी, ऐसा है कि अभी जो देश में हालात चल रहे हैं उस पर राजनीति तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जरूर है कि जिम्मेदारी तो तय करनी ही पड़ेगी और जिम्मेदारियों से कोई भाग नहीं सकता। इसको मैं तीन बातों को तीन लाइन में बांटना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपने डिस्कशन की शुरुआत वहीं से करता हूं जहां से आपने शुरू किया था, फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर। अब सवाल यह पैदा होता है कि 15 दिनों से आज लॉकडाउन है और उससे पहले भी 70 दिनों से ये कोरोना की जानकारी होने के बावजूद भी अगर हमारे डॉक्टरों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, पूरा का पूरा हॉस्पिटल, अगर अभी आप सुन रहे हैं जैसे मैंने बॉम्बे का कल सुना और RML का सुना कि 140 डॉक्टरों को एक साथ क्वारंटाइन करने की नौबत आ गई, तो ये अगर इनके पास ये मेडिकल किट, ये PPE, ये N95 मास्क या ये सैनिटाइजर नहीं पहुंच रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? चूंकि आपके शो को प्रधानमंत्री भी सुनते हैं और आपके शो को स्पेशली जहां तक मुझे जानकारी स्वास्थ्य मंत्री तो 100% देखते हैं, तो क्या भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के 115 दिन बीतने के बाद मोटा मोटी काउंटिंग लाइन के हिसाब से क्या हम अभी तक इस पोजीशन पे सक्षम नहीं हो पाए हैं? सवाल नंबर एक, बिल्कुल सरकार से सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, एक मैं रिपोर्ट का आपको हवाला देता हूं, हिंदू में एक रिपोर्ट छपी हुई है, लॉकडाउन होना चाहिए, पूरे देश की ये मांग है, हर राज्य के मुख्यमंत्री की मांग है, क्या सत्य क्या विपक्ष, क्योंकि जान है तो जहान है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन हिंदुस्तान में एक और समस्या है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या भूख की भी है। प्रधानमंत्री जी ने जो ऑफर किया, लोगों को कहा कि हम आपके पास भोजन मुहैया कराएंगे, 500,000, 2,000, 2,500 रुपए लोगों के खातों में गए, कुछ के गए, कुछ के सिस्टमैटिक रूप से नहीं जा पाए, उन लोगों के भोजन की भी जिम्मेदारी हर हालत में इतने बड़े लोकतंत्र में सुनिश्चित करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का हिंदुस्तान ने प्रचंड प्यार प्रधानमंत्री जी को दिया और प्रधानमंत्री जी के दो आह्वान पे, एक बार उन्होंने कहा ताली बजाओ, घंटी बजाओ, पूरा देश उनकी बात पे आ गया था अपने अपने बालकनियों में, दूसरी बार जब उन्होंने कहा दिया जलाओ 9 तारीख की रात को 9 बजे, सारा का सारा देश 9 मिनट के लिए आ गया। तो सोचिए कितना बड़ा प्यार है, अगर प्यार इतना है तो जिम्मेदारी उससे भी बड़ी फिक्स होगी और प्रधानमंत्री जी की फिक्स होगी। और तीसरा, एक सुधांशु मित्तल जी ने बड़ा सुंदर कहा कि फिर से वही बात, जान है तो जहान है, शेयर मार्केट पे फोकस नहीं करते, चूंकि आज शेयर मार्केट की पोजीशन 2010 वाली नहीं है, 2014 वाली है, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया था तब भी निफ्टी कोई 7800-8000 के आसपास थी, आज फिर से घूम फिर के उसी के आसपास चली गई। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा MSME सेक्टर का, जो छोटे स्मॉल सेगमेंट मध्यम वर्गीय सेक्टर का जो बिजनेस क्लास होता है उसका इन्होंने जिक्र किया, जहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबसे ज्यादा बिजनेस या रेवेन्यू या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उस सेक्टर के लिए क्या प्रधानमंत्री जी ने और क्या वित्त मंत्री जी ने कोई बेलआउट पैकेज अनाउंस किया? अभी तक सवाल और जवाब दोनों नाम है सर। सवाल यह पैदा होता है कि ये छोटे उद्योग अगर 25-25 दिन या एक एक महीने डेढ़ महीने के एक्सटेंशन पीरियड के दौरान अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर ये दोबारा खड़ा कहां से होंगे?